बर्फीले इलाकों में भीषण गर्मी, जंगल की आग, वनस्पति और जीवों का खात्मा, सूखा, बाढ़, चक्रवाती तूफान, हर तरफ तबाही। नमस्कार, न्यूज इन साइंस में आपका स्वागत है। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में जिस तरह से दुनिया के हर कोने से ऐसी चरम घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, वो सालों पहले दी गई वैज्ञानिकों की चेतावनी को सच कर रही हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब समस्याएं अब हमें प्रत्यक्ष नज़र आ रही हैं। इसके उदाहरण साल दर साल हमारे सामने आ रहे हैं। आमतौर पर ठंडे मौसम के लिए मशहूर कनाडा में आजकल लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। जंगली आग ने यहाँ पूरे पूरे गाँव उजाड़ दिए हैं। उत्तर पश्चिमी अमेरिका में भी गर्मी का चरम देखने को मिल रहा है। कनाडा के बर्फीले इलाकों में तो पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। वहीं इन दिनों पश्चिमी यूरोप में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। जर्मनी और बेल्जियम जैसे देशों में रिकॉर्ड बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लापता हैं। और इन सभी घटनाओं को देखते हुए एक बार फिर से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के स्वर उठने लगे हैं। कई जानकारों का कहना है कि इन सब का प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग है और हमें आगे भी इस तरह की घटनाओं का बार बार सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें जलवायु संरक्षण के उपायों को तेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव किसी एक देश तक ही सीमित नहीं है। कोविड महामारी की तरह ही जलवायु परिवर्तन भी हर एक देश, हर एक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। वैसे हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और मौसम विज्ञानियों के अनुसार धरती का तापमान बढ़ने से बेमौसम बरसात, जंगलों की आग, चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के आने की संभावना बढ़ती है। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक बीते 100 वर्षों में पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है, जो संख्या की दृष्टि से कम हो सकता है, लेकिन पर्यावरण पर इसका बड़ा असर हो रहा है। गर्मी और सूखे से फॉरेस्ट फायर्स या वाइल्ड फायर्स में कई गुना इजाफा हुआ है। पिछले 2 सालों में ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया और इस साल कनाडा में लगी जंगली आग से प्रजातियों का कितना नुकसान हुआ है, इसका सही अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये नुकसान अब कभी भरा नहीं जा सकता। धरती से सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, जिससे पर्यावरण के संतुलन पर निश्चित ही बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ लगातार तापमान बढ़ने से न सिर्फ हिमालय जैसे पर्वत श्रृंखलाओं पर बल्कि धरती के दोनों ध्रुवों पर जमी बर्फ भी लगातार पिघल रही है। अगर आप दुनिया की खबरों पर नज़र रखते हैं तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि आर्कटिक और अंटार्कटिक की बर्फ तेज़ी से पिघल रही है। जाहिर है ऐसे में समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है और ये संभावनाएं भी पूरी पूरी हैं कि महाद्वीपों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर कोस्टल रीजन्स, कुछ सालों बाद समुद्र में डूब जाएं। ऐसी चरम घटनाएं पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को मुश्किल में डाल देंगी, क्योंकि इनका असर सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सतत विकास पर पड़ेगा। और ये सब हमें आगाह करता है कि दुनिया को बढ़ते उत्सर्जन में कमी लाने की तुरंत ज़रूरत है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के अनुसार अब इस बात की संभावना पहले से अधिक बढ़ गई है कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया का तापमान बढ़कर एक नए स्तर तक पहुंच जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 के मुताबिक हालात बेहद ख़राब हैं। रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की गई थी कि यदि तापमान में हो रही वृद्धि इसी तरह जारी रहती है तो सदी के अंत तक वह 3.2 डिग्री सेल्सियस के पार चली जाएगी, जिसके विनाशकारी परिणाम झेलने होंगे। ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे जलवायु परिवर्तन का असर समय समय पर भारत में भी देखने को मिला है, जहां पिछले कुछ सालों में फ्लड्स, साइक्लोन्स, क्लाउड बर्स्ट्स, फॉरेस्ट फायर, हीट वेव जैसी आपदाओं ने देश में जान माल का बहुत बड़ा नुकसान किया है। ऐसे ही मुंबई में 18 जुलाई को भारी वर्षा से हुई लैंडस्लाइड भी ऐसे ही खतरनाक मंजर पेश करती है। कुछ दिन पहले ही बादल फटने और आसमानी बिजली गिरने से जान माल नुकसान की कई घटनाएं सामने आई हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बिजली गिरने की घटनाओं का संबंध भी मौसम के संकट से जुड़ा हुआ है। वैसे हमारे देश में आम आपदाओं से निपटने के लिए जन जागरूकता और तैयारी की काफ़ी कमी है, इसीलिए बहुत से लोग ऐसी घटनाओं में जान गंवा देते हैं। मौसमी आपदाओं से निपटने के लिए हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या एजेंसीज की वेबसाइट से ज़रूरी जानकारी ले सकते हैं। इससे हम ऐसी घटनाओं से निपटने में कुछ हद तक सक्षम हो सकते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए और इनसे निपटने के लिए हर स्तर पर प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश बड़े स्तर की मौसमी आपदाओं को लेकर तैयार नहीं है। हमें एक और ऐसे कारणों को मिटाना है जिनसे ऐसी आपदाएं बढ़ रही हैं।
और दूसरी तरफ हमें ऐसी तरकीब भी खोजनी होंगी जिनसे हम ऐसे विनाशकारी स्थितियों का सामना कर सकें। इसीलिए नई और पुरानी पीढ़ी को इस संकट से निपटने के लिए जल्द ही प्रभावी तरीके खोजने होंगे, तभी धरती पर जीवन का अस्तित्व कायम रह पाएगा।